हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे Sjfx। ठीक है, Sjfx कंपनी को सभी लोग जानते होंगे। साइंस सिटी कंपनी का एक दूसरा फर्म है जो कि उन्होंने अभी नया बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है। तो साइंस सिटी में अक्सर ऐसा होता है कि वो बिजनेस। ठीक है, तो वो ये तरीका जो है, हालांकि सक्सेसफुल होना चाहिए, जो कि जिस हिसाब से ये अपने प्लान को अपडेट करते हैं। ठीक है, प्लान को अपडेट करने के साथ साथ वो कस्टमर बेस जो है, उनका जो फीडबैक है वो थोड़ा सा डाउन चल रहा है। बहुत सारे मार्केट में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जो इनके बिज़नेस चलते आ रहे हैं, उन बिज़नेस में उनकी मैच्योरिटी जो है नहीं मिली है, या फिर उनको जो प्रोडक्ट्स है जिनमें उन्होंने इन्वेस्ट किया है उनको प्रोडक्ट्स नहीं मिला है, रियल इस्टेट में उनकी ज़मीनें नहीं मिली है। तो अभी जो है नए बिज़नेस पर हम लोग देखने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं कि नया बिज़नेस से क्या आप सभी लोग, या फिर जितने भी लोग हैं इसमें इन्वेस्ट किए हैं, या फिर जो भी है इसको शुरू कर रहे हैं, वो किस तरीके से इसको फेस करेंगे, या फिर इसको इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। दोस्तों, मैं हूँ रामाशीष राजभर और इस फील्ड में ऑलरेडी मैं बिज़नेस कर चुका हूँ और मुझे इस फील्ड का एक्सपीरियंस है। इसलिए एक अपने एक्सपीरियंस के साथ मैं आप लोगों को ये बता सकता हूँ कि इस बिज़नेस में Sjfx में कितने लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो कंपनी ने जो अपना प्लान बनाया है वो बहुत ही यूनिक प्लान है, इसमें लॉस होने का बहुत कम चांसेस है। मैं कंपनी के साइड से बात करूंगा, ना ही मैं इसके निगेटिव हूं, लेकिन मैं सच्चाई ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा कि दोस्तों, जो सच्चाई है वो ये है कि आपको घोड़ा चलाना नहीं आता है, लेकिन आपको घोड़े पर बैठा दिया जा रहा है कि भाई चलाते रहो, आपको आ जाएगा। तो दोस्तों, आप ये बताइए कि घोड़ा चलाने पर जो हमारा नुकसान होगा, या जितना समय का नुकसान होगा, वो नुकसान की भरपाई कैसे होगी। ठीक है, और इनकेस क्या पता हमें कब तक सीखना आए। ठीक है, इसमें इस फील्ड में होता क्या है, इस फील्ड में जो शुरुआत के लोग होते हैं, ये ट्रेडिंग बिजनेस है, ट्रेडिशनल बिजनेस, मतलब ट्रेडिंग आपको करना, ट्रेडिंग की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। सबसे पहले कंपनी, अगर मैं अभी बात करूं तो कुछ लोगों ने ऐसे पैसे इसमें इन्वेस्ट किए जिनको कुछ नहीं आता है, और उन्होंने पैसा लगाया और बाई और सेल करने में कूद पड़े बाई और सेल करने में कूद पड़े कि भाई बाई कर लेता हूं कम में और ज़्यादा में सेल कर दूंगा। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसा होता तो आज सभी लोग जो है करोड़पति रहते। एक दिन में $100, $900, $2000 या फिर $1000, $1500 कमाने की जो सपने हैं वो सभी लोग देखने लग जाते। दोस्तों, मैंने एक वीडियोस में अभी पहले मीटिंग अटेंड की थी, उसमें मैं बताया हूँ कि लॉस और बेनिफिट दोनों किसका होना है, हमारा और आपका। अगर मेरा लॉस हो रहा है तो वो ही आपका बेनिफिट है, अगर आपका लॉस हो रहा है तो मेरा बेनिफिट है। अभी Sjfx में ही कुछ लोगों को मैं बताऊं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे को मैसेज किया कि मैंने आज इतना प्रॉफिट कर लिया है। ठीक है, और दो दिन बाद या तीसरे दिन बाद मैं उनसे बात करता हूं कि कितना बेनिफिट हो गया, वो मुझे बताते हैं कि सब नुकसान हो गया। मैंने कहा क्यों, बोल रहे वो गलती से कहीं क्लिक हो गया, वो सारा डॉलर कट गया। मैंने कहा ऐसे कैसे, प्रिंसिपल अमाउंट भी गया, बोले हाँ प्रिंसिपल अमाउंट भी चला गया। तो दोस्तों, $500 $1000 आपका ऐसे ही चला जाता है, सोचिए उसको कमाने के लिए आपको कितना टाइम लगता है। तो ये उन सब के लिए प्लान है दोस्तों। देखिए, प्लान आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज मिलता है तो प्लान इज ग्रेट, बट अगर आप विदाउट नॉलेज अगर आप उसमें कदम डालते हैं तो आपको लॉस के अलावा बेनिफिट नहीं मिलना है। ठीक है, और रही बात एक्सपीरियंस की, रही बात उसको ट्रेनिंग देने की, तो कंपनी को सबसे पहले डॉलर को देने, डॉलर को
ट्रेडिंग करवाने से पहले प्रॉपर ट्रेनिंग देना चाहिए था, ठीक है, प्रॉपर गाइड करना चाहिए था और अपने साइट को प्रॉपर जो है स्मूथ चलाना चाहिए। अभी साइट की भी प्रॉब्लम लोग बता रहे हैं कि साइट में भी प्रॉपर लॉगिन या फिर जो भी है ट्रेडिंग वगैरह प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ट्रेडिंग बिजनेस है विदाउट अगर साइट प्रॉपर नहीं चल रही है तो फिर इसमें कोई फ़ायदा और नुकसान है आपका। अगर साइट आधे घंटे के लिए अगर बंद हो गई तो आपने जो बीड लगाया है वो ऑलरेडी लॉस में चली जाएगी, मार्केट डाउन और अप इसमें मिनटों में होता है। दोस्तों अगर साइट प्रॉपर चलने लग जाती है तो एक बार मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा कि प्रॉपर ट्रेनिंग दूँ अपने वीडियोस के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, कि किस तरीके से आपको इसमें जो है पैसे को कितना इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले हम लोगों को डेमो सेशन करना चाहिए कि हम लोग डेमो में कितना प्रॉफिट निकाल पा रहे हैं, उसके बाद कम पैसे उसमें इन्वेस्ट करके, मतलब थोड़े थोड़े जो है बीड लगा करके हमें उसमें ट्रेडिंग करना चाहिए, ठीक है। छोटे छोटे आपका मान लीजिए अगर $100 आपने लिया है तो $5, $10 करके ही आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, ये नहीं कि आपने एक बार में ही पूरा बाई और सेल कर दिया, ठीक है। थोड़े थोड़े पैसे लगा करके जब आपको लगता है कि नहीं आप धीरे धीरे मतलब आप कर ले रहे हैं, उसके बाद बड़ा अमाउंट धीरे धीरे बढ़ाते रहें, ठीक है, और अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है उसको निकालते रहें साथ में, तो इससे क्या होगा लॉस के चांसेस कम हो जाएंगे। तो दोस्तों ये है मेरा राय है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। आप लोग अगर कुछ इसके बारे में जानते हैं, बेटर एक्सपीरियंस है आपको, आपने कितना मतलब आप कुछ भी इसके थ्रू अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें बता सकते हैं। बाकी अगर अच्छा हुआ कंपनी में तो भी मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा, ठीक है, जो भी जैसा भी रहेगा मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।